快。लो के टॉप में अब ट्रैक्टर देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस है इसकी लो के टॉप में। दब रहा है थोड़ा ट्रैक्टर लो के टॉप में। 744 एफपी पीसी कल्टीवेटर पे जोड़ कर दिखाएंगे कैसी परफॉर्मेंस देता है। वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए। 744 एफपी 2000 मॉडल ये बायल 60 इधर लगा दिया है। दोनों में कौन सा परफॉर्मेंस बेस्ट करता है देखेंगे। दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा। अब बोलेंगे इसमें एचपी का बहुत फर्क है, वो 48 एचपी और वो 45 एचपी है, इसलिए हम इस पे कल्टीवेटर पे दो आदमी भी खड़े कर दिखाएंगे मतलब कैसे चलता है ये। वही कल्टीवेटर है इसमें भी। दोस्तों आप देख सकते हैं दो आदमी हम खड़े हो गए, उसके बावजूद भी आरपीएम में ज़्यादा सा ड्रॉप नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ट्रैक्टर में। ये रहे देख सकते हैं आप इस ट्रैक्टर में। कैसा है ट्रैक्टर ये? स्वराज 742 के मुकाबले इंजन बहुत ही फ्री चल रहा है। स्वराज 744 एकदम फ्री इंजन चल रहा है इसका, वो थोड़ा दब रहा है इसलिए हमने ये टेस्ट करके देखा है इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उसके मुकाबले 744 एफपी बहुत ही अच्छा चल रहा है परफॉर्मेंस। ट्रैक्टर थोड़ा दब रहा है इसलिए किसान नाराज है थोड़े से, ये लो थर्ड पे भी दब रहा है। अगर आपने इस ट्रैक्टर का पहला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें। अभी नया ट्रैक्टर है, 4 दिन हो गए इस ट्रैक्टर को लाए, 5 घंटे हो चुके हैं। 6 घंटे होने गए नहीं हुए इसमें। और वो देखिए फर्स्ट गियर में भी कैसे चल रहा है, हाई के फर्स्ट में दब नहीं रहा मतलब ट्रैक्टर आज थोड़ा सा भी दब नहीं रहा, फ्री चल रहा है एकदम। दोस्तों आपको लगेगा कि वो 45 एचपी इसलिए हम इसमें दो आदमी खड़े कर दिए। ये देख सकते आप मिट्टी बाहर निकल रहा है ट्रैक्टर एकदम, गहराई बहुत ही अच्छे से ले रहा है।